आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई और कमाल की वीडियो में। आज की इस कमाल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 लाख से 20 लाख के अंदर आने वाले 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी के बारे में, यानी कि इस वीडियो में 7 सीटर एसयूवी की बात नहीं होगी, तो कृपया उस चीज़ को ध्यान दें। इतना ही नहीं, अगर आप इसमें 5 कारों में से किसी भी कार को लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आइए हम बिना देर किए हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं 5 प्रीमियम एसयूवी अंडर 15 to 20 लाख। तो बिना देर किए हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप लेटेस्ट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। दोस्तों, लिस्ट पर 5th पोजीशन पर है जीप की कैंपस। जीप की न्यू कैंपस जिसका फेसलिफ्ट आ चुका है, इस फेसलिफ्ट के ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं और प्राइस पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो आइए हम बात कर लेते हैं जीप कैंपस के फेसलिफ्ट वर्जन की। तो इस कार की प्राइस स्टार्ट होती है 16,99,100 प्राइस से स्टार्ट होकर 28,29,000 के लिए। दोस्तों, ये जीप कैंपस 5th पोजीशन पर इसलिए है क्योंकि आपको 20 लाख के अंदर इस कार का टॉपेस्ट वेरियंट या फिर हाइस्ट मीडियम वेरियंट नहीं मिल पाता, केवल बेस वेरियंट या फिर सेकेंड बेस वेरियंट ही मिल पाता है। इस कार पर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से एक है 1.4 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन और दूसरा है 2.0 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें से दोनों ही इंजन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसमें पेट्रोल इंजन की पावर है 160 BHP जो लगभग 14.1 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। वहीं पर अगर हम बात करें 2.0 लीटर के डीजल इंजन की, तो वहाँ पर डीजल इंजन 167.67 BHP की पावर जनरेट करती है जो 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज देती है। इस कार पर जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ी सी अंतर है, यानी कि पेट्रोल के मैनुअल पर आपको 6 स्पीड मैनुअल और डीजल के मैनुअल पर भी आपको 6 स्पीड मैनुअल देखने को मिलती है। लेकिन यहीं अगर आप इस कार के पेट्रोल के ऑटोमेटिक को लेते हैं जो DCT ऑटोमेटिक के साथ में आती है, तो वो 7 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ मिलेगी और अगर आप इसके डीजल ऑटोमेटिक को लेते हैं तो वो 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ में मिलती है। ये कार सही मायने पर एक SUV है जो 4x4 और 4x2 इन दोनों ही वेरियंट पर अवेलेबल है और इस कार पर आपको दोनों ही फ्रंट और रियर दोनों ही पर आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इस कार की लेंथ है 4.4 मीटर की, ब्रेथ है 1.8 मीटर की और जो हाइट है वो है 1.64 मीटर की। इस कार पर आपको बूट स्पेस मिलता है 438 लीटर की, ग्राउंड क्लियरेंस 178 mm की है और इस कार पर 17 इंच और 18 इंच के एलॉय व्हील के ऑप्शंस दिए गए हैं जो बेस वेरिएंट पर व्हील कवर के साथ में आती है। ये कार आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन होगा प्रीमियम के मामले में, प्रीमियम नेस के मामले में या फिर एक लग्जरी लुक के मामले में। ये कार सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी अलग या फिर थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ये कार सही मायने में काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन 20 लाख के अंदर आपको इस कार का टॉपेस्ट वेरियंट नहीं मिलेगा। इसके बाद 4th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस। किया सेल्टोस की कीमत 9,89,000 से शुरू होकर 17,45,000 के लिए जाती है जो 1.5 लीटर पेट्रोल ऑप्शन, 1.5 लीटर डीजल ऑप्शन और 1.4 लीटर के टर्बो पेट्रोल ऑप्शन के साथ में आती है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है इसके टर्बो पेट्रोल पर जो 138 BHP की पावर मिलती है जो 16.8 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज देती है, जिसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों ही पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस कार की लेंथ 4.3 मीटर की है, ब्रेथ है 1.8 मीटर की और हाइट है 1.65 मीटर की। इस कार पर 433 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 190 mm की और इस कार पर 16 इंच और 17 इंच के एलॉय व्हील का ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन ये कार 2-व्हील ड्राइव है या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इस कार पर अगर आप यहाँ पर इसके ट्रांसमिशन की तरफ देखें तो वहाँ पर आपको मैनुअल पर 6 स्पीड ऑन मैनुअल मिलती है जो इसके डीजल और पेट्रोल और साथ में टर्बो पेट्रोल इन तीनों ही में मैनुअल पर आपको 6 स्पीड और ट्रांसमिशन मिलती है। वहीं पर अगर आप बात करें डीजल ऑटोमेटिक पर तो वो 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, पेट्रोल ऑटोमेटिक पर आपको मिलती है नॉर्मल पेट्रोल पर 6 स्पीड
IBT ऑटोमेटिक और टर्बो पेट्रोल पर आपको मिलती है 7-speed DCT ऑटोमेटिक गियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, काफ़ी बेहतर कारक किया कि सेल्टोस काफ़ी अच्छी सेलिंग पर भी है, लेकिन वहीं पर बात करें तो इसकी सेलिंग धीरे धीरे घट रही है, जिस कारण से ये जो है लिस्ट पर 4th पोजीशन पर है और इसकी सर्विस पर भी काफ़ी लोगों का फीडबैक आया है, जिस कारण से इसे 4th पोजीशन पर रखा गया है। इसके बाद लिस्ट पर 3rd पोजीशन पर है टाटा की हैरियर। टाटा हैरियर ऑब्वियसली एक बेहतर लग्जरी प्रीमियम SUV के लिए ही जानी जाती है। फ्रंट लुक इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी भी बनाया गया है। लग्जरी ये कार अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी है, और साथ ही साथ इस कार की प्राइस 13,99,000 से शुरू होकर 20,45,000 के लिए जाती है। लेकिन इस कार पर एक कमी आपको मिलेगी, वो इसका पेट्रोल इंजन है जो इस कार पर अवेलेबल नहीं है, यानी कि इस कार को केवल डीजल ऑप्शन पर ही लॉन्च किया गया है। इस कार पर आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, वही डीजल इंजन जो आपको जीप की कैंपस में मिलता है। 167.63 BHP की पावर जनरेट करती है, 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज देती है। जो टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है जो फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है। इस कार पर आपको 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन दिया गया है, जो DCT ऑटोमेटिक के साथ आती है। 16 इंच और 17 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन लगभग 18 इंच के ऑप्शन दिए जाना था, लेकिन फिर भी 17 इंच भी ठीक ठाक है। इस कार की लेंथ 4.6 मीटर की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी है, जीप की कैंपस से भी लंबी है। कार की ब्रेथ है 1.9 मीटर की और इस कार की हाइट 1.7 मीटर की दी गई है। इस कार पर आपको 425 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm की है। बाकी एक कार, इस कार की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो इस कार पर आपको काफ़ी लग्जरी फील के साथ साथ लग्जरी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेंगी। 2nd पोजीशन पर है MG की हेक्टर। MG हेक्टर की कीमत 12,79,000 से शुरू होकर 18,42,000 के लिए जाती है, जो एक ऑब्वियसली एक प्रीमियम SUV है। इस कार की लेंथ की बात करें तो वो होती है 4.65 मीटर की, ब्रेथ है 1.83 मीटर की और हाइट है 1.76 मीटर की। अगर हम बात करें इस कार की लेंथ तो वो टाटा हैरियर से भी थोड़ी बड़ी ही है, लेकिन अगर हम लुक वाइज बात करें तो टाटा हैरियर और MG हेक्टर दोनों ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। इस कार पर आपको 2.0 लीटर का वही डीजल इंजन मिलता है जो आपको टाटा हैरियर और जीप कैंपस पर देखने को मिलती है। वहीं सेम परफॉर्मेंस 167.68 BHP की पावर मिलती है, 17.41 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलती है, 6-speed मैनुअल आती है। और अगर आप इसके डीजल को लेते हैं तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दिया गया है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में अवेलेबल है। अगर आपको इस कार का ऑटोमेटिक लेना है तो उसके लिए आपको 1.5 लीटर के पेट्रोल ऑप्शन को लेना होगा, जिस कार पर 141 BHP की पावर मिलती है, 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज मिलती है, 6-speed मैनुअल और 6-speed DCT ऑटोमेटिक गियर के साथ में आती है। इस कार पर अगर आप इस कार को लेते हैं तो दोनों ही गियर, दोनों ही जो ब्रेक है वो दोनों ही ब्रेक आपको डिस्क मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोनों ही फ्रंट और बैक ये दोनों ही डिस्क ब्रेक मिलेंगे और इस कार पर आपको 587 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी अच्छी बात है कि आपको लगभग 600 लीटर तक की बूट स्पेस मिल रही है। 183 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 17 इंच और 18 इंच के अलॉय व्हील का ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों ये कार भी फ्रंट व्हील ड्राइव या फिर टू व्हील ड्राइव ही है, तो आपको टाटा हैरियर से भी ज़्यादा फीचर, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और ज़्यादा ऑप्शंस आपको टाटा हैरियर से ज़्यादा MG हेक्टर पर मिलता है। जैसे कि आपको इस कार पर यहाँ पर 1.5 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन का अवेलेबल दिया गया है, 18 इंच के अलॉय व्हील का ऑप्शन दिए गए हैं, बूट स्पेस इस कार की ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है और साथ ही इस कार पर की जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम भी है। तो ये कार भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रीमियम के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसके बाद 1st पोजीशन पर आने वाली कार है ह्यूंडई की क्रेटा। ऑब्वियसली इस कार की प्राइस ह्यूंडई की क्रेटा की किया की सेल्टोस के आसपास है। ऑब्वियसली सभी चीज़ें जितने भी चीज़ें हैं वो किया के सेल्टोस से ही मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी ये 1st पोजीशन पर क्यों है, क्योंकि ये SUV ऑफ द ईयर बन चुकी है, या फिर आप बोल सकते हैं SUV ऑफ द मंथ भी है, क्योंकि हर एक साल टॉप सेलिंग SUV की लिस्ट पर 1st पोजीशन पर आ रही है ह्यूंडई की क्रेटा। इस कार की प्राइस 9,99,000 यानी कि 10 लाख से स्टार्ट होगा, 17,53,000 के लिए जाती है, जो 1.5 लीटर डीजल, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑप्शन के साथ में अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा
जो माइलेज है या भी सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर पावर है वो 138 BHP की है जो इसके टर्बो पेट्रोल पर दी गई है, और लगभग 16.8 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज मिल जाती है इस कार पर। अभी आपको फ्रंट और बैक दोनों ही पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। 4.3 मीटर की लेंथ है, 1.8 मीटर की ब्रेथ है, 1.64 मीटर की हाइट है, 433 लीटर की बूट स्पेस है, 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। फ्रंट व्हील ड्राइव 16 इंच और 17 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है 17 इंच के टायर्स अलॉय व्हील के साथ में आती है। दोस्तों इस कार की के इंजन पर थोड़ी सी फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके टर्बो पेट्रोल पर। अगर आप इसके डीजल पेट्रोल या फिर टर्बो किसी को भी लेते हैं तो वहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसके टर्बो पेट्रोल पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके टर्बो पेट्रोल पर केवल ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर आप हुंडई के क्रेटा के टर्बो इंजन को लेते हैं तो वहाँ पर आपको केवल और केवल ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर आपको मैनुअल चाहिए तो उसके लिए आपको नॉर्मल पेट्रोल ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा इस कार पर भी आपको डीजल पर 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, पेट्रोल पर 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IPT ऑटोमेटिक और टर्बो पर कोई भी मैनुअल नहीं है, बाकी 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है। तो ये 5 कार है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और एक लग्जरी फील करवाने वाली है इंटीरियर और एक्सटीरियर सभी तरफ से। 15 से 20 लाख के अंदर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहने वाला है ये 5 कारें। बात ही अगर आप हिंडो के क्रेटा को लेते हैं या फिर किया के सेल्टोस को लेते हैं या फिर और भी किसी कार को लेते हैं जैसे कि टाटा हैरियर या फिर MG की हेक्टर को, तो 15 लाख के अंदर भी आपको इनकी बेस मॉडल और मीडियम मॉडल तक मिल जाती है। लेकिन अगर टॉपेस्ट मॉडल चाहिए तो आपको इसके लिए लगभग 20 लाख 17 लाख 18 लाख रुपए तक के लगाने पड़ जाएंगे, लेकिन जीप के कैंपस के लिए आपको टॉपेस्ट मॉडल के लिए 25 लाख से ऊपर लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये 5 कारें, उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। इनमें से कौन सी कार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जरूर बताएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।